कि हर चीज का वक्त आता है, तो अगर मेरे पास कुछ नहीं था, अगर मैं लोगों को ज्ञान देती तो शायद कोई लोग मेरी सुनते भी नहीं, और क्यों सुनेंगे, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं। अगर आज मैं दो चार बातें बोल दूँ तो सुन लेंगे, या हम लोग भी ऐसा करते हैं एक्चुअली। अब कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर वो बेरोजगार है, उसकी कोई सुनता नहीं है, लेकिन एक अगर प्लस टू पढ़ा भी अगर जॉब कर रहा है तो उसकी हम लोग भी सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं कि नहीं यार अगर ये लगा है तो किस हिसाब से लगा है, क्या क्या करके लगा है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं जोगिंदर नगर में हूँ और मेरे साथ मेरी फ्रेंड है निर्मला। हेलो। वैसे फ्रेंड है मेरी, पर अब थोड़ा इज्जत से नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी पुलिस के रिजल्ट की, और ये निर्मला है और इसने अपनी कैटेगरी में टॉप किया है। ये वैसे IRDP में थी, पर इसने OBC वालों की सीट खाई है। कितनी खुशी हो रही है दूसरे की सीट खा के। मुझे वैसे यकीन नहीं हो रहा कि पुलिस लग गई। अरे कहना क्या चाहते हो? क्यों पागल हो रही? नहीं, खुशी भी है बहुत ज्यादा, पर ऐसे देख के नहीं लगता। नहीं, ऐसे ऐसे कर रूँ मैं मजाक। ज्यादा सीरियस हो गया। नहीं, होली पर नहीं जा रही मैं, थोड़ा मतलब अपने साथ बहुत ज़्यादा टाइम तक रही है, और फ्रेंक भी है, फ्रेंड हैं, तो तब लगता है फ्रेंड में तो होता ही ऐसा। क्यों? हाँ जी बिल्कुल। सपोर्ट करेगी मेरा। ये है टॉपर, हमारी टॉपर है। कल किस चीज़ का पेपर है? ये है हमारी टॉपर, और इसके कैसे हाल है? सुबह देखेगी। कल इसका पेपर है, फर्स्ट ईयर का पेपर है इसका कॉलेज में, इग्नू का। और इसको पता नहीं अभी कल की चीज़ का पेपर है। आज पेपर दे के आई, अब कल सुबह देखेगी ये की चीज़ का पेपर है। मैं नहीं पता तो किस चीज़ का है, देखना पड़ेगा कल सुबह। ये टॉपर लोग क्या सोचते हैं खुद को? क्या बोल सकते हैं, अब टॉपर तो नहीं बोल सकते, पर ये है कि आदत ही नहीं रही है, पहले भी नहीं पढ़ते थे, आज भी नहीं पढ़ते, तो आदत ही नहीं है, बचपन से ही आदत नहीं है पढ़ने की। ना रे बबुआ, पुलिस का टेस्ट ऐसे नहीं निकलता है रे बबुआ। नहीं एक्चुअली पुलिस का टेस्ट अब हो गया, पता नहीं कैसा है, भगवान की कृपा है। पढ़ते थे थोड़े बहुत तो पढ़े थे, पर चलो जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ, टॉपर लोग फिर ऐसे बोलते हैं, हम तो पढ़ते ही नहीं थे। नहीं, मैंने इतने बोला कि नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते थे हम, पर इतना ज़्यादा नहीं, जो पता नहीं भगवान की कृपा रही होगी शायद कि हम लोगों को टॉपर तो नहीं बोल सकते, पर है कि पुलिस बनवा दिया, पता नहीं कैसे बनवा दिया। तो जो भी है अच्छा हुआ, मतलब कि खुशी है मुझे। मैं बता दूं आप लोगों को, इसकी बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी पुलिस बनने की। इसको एक ही सरकारी जॉब अच्छी लगती थी, वो थी पुलिस। सही बात है, बचपन से एक ही ड्रीम था। ये ड्रीम नहीं था कि क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम भी नहीं था, बस एक वर्दी का ड्रीम था कि वर्दी, अब वर्दी लग के क्या करना है, वो पता है ड्रीम क्या था? वर्दी लग के लड़कों को पीटना। बहुत तेज हो रहा है, खतरनाक वाले ड्रीम थी, क्योंकि बचपन से यही रहा है ना कि अपने उधर हर जगह पे यही दिखाया गया है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। लड़के बोलते थे ऐसा, हालांकि क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो लड़के बोलते थे कि लड़कियां नहीं खेलती है, तो मेरे का यही था कि कल दिन को पुलिस लगूंगी ना, तुम लोगों को डंडे से पीटूंगी। बस यही था अपना, पुलिस बनने का यही है अपना मेन मोटिव। जितने मुस्कुराते चेहरे उतने घाव गहरे। क्या बोलूँ अब, मुझे पता है हर इंसान को होती है फैमिली प्रॉब्लम, हर इंसान को होती है, हमारी भी थी, पर कभी ऐसे की नहीं किसी के पास जाहिर की ऐसा है। पर मेरा ये था कि मैं ऐसा सोचती थी जो हमारी फैमिली प्रॉब्लम है ना, वो हमारी वजह से, क्योंकि शायद हम लोग इतने सारे भाई बहन थे, इतना हमारे मम्मी पापा ने हम लोगों को पढ़ाया, कि पापा नहीं रहे तो मेरी मम्मी ने पढ़ाया, तो सारा जो जितना भी कमाई होती थी वो सारी हमारे ऊपर लगाई, तो जो कंडीशन आज ख़राब हुई थी ना, तो अब हम लोग ऐसे तो है नहीं कि हम लोग 12-13 साल के, अब 21-22 साल के हो गए थे, तो घर से सारा खर्चा ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार है उस कंडीशन के, तो उस वजह से थोड़ा ये चीज़ भी मोटिवेशन बन जाती थी कि नहीं करना है, फैमिली के लिए करना है, मम्मी के लिए करना है, बस यही मोटिवेशन है अपनी। हेल्प भी की होनी किसी ने, मेंटली सपोर्ट या मेंटली सपोर्ट, फिजिकली थोड़ा टायर्ड होती, बीमार भी रहती थी बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा। हाँ, बीमार तो बहुत ज़्यादा रहती थी।
अब तो नहीं हूँ, पर मैं इस फोटो सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा अपने दोस्त हैं, दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं है, एक दो दोस्त है वही काफ़ी है, और टीचर्स ने दे दी। नाम लेना चाहोगे दोस्तों के? क्यों नहीं, नहीं। अच्छा क्यों नहीं, जरूर लेना चाहूँगी मैं। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा ऐसा बोलोगी, नहीं नहीं नाम नहीं लूंगी। कैसे लूंगी, जिन लोगों की वजह से आज थोड़ी सी लोगों के लिए होगी शायद छोटी सक्सेस की, पुलिस की जॉब छोटी है, पर मेरे लिए सब कुछ है, जो भी है मेरे लिए सब कुछ है। मैंने ये सोचा है कि जो भी मैं आगे ज़िंदगी में करूंगी इसी लाइन में रह के करूंगी। और दोस्तों के नाम अगर लेना चाहूँ तो अपनी है ही कृष्णा। ओहो, है मेरे से छोटी पर बातें सलाह दादी अम्मा से भी ज़्यादा देती है। किसी को ज्ञान चाहिए तो मुझसे संपर्क करें। हाँ, सलाह अगर चाहिए तो दादी, घर में जो दादी होती है ना उससे भी ज़्यादा सलाह देती है। और है अपने एक पगलानी साहब जो मेरा फ्रेंड है, काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, उसने भी बहुत ज़्यादा, उसने फिजिकली मेंटली हर तरीके से मुझे प्रिपेयर किया। बाकी टीचर्स है मेरे अकेडमीज के जहाँ से मैं कोचिंग लेती थी, उन लोगों ने बड़ी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा, उन लोगों ने एज अ टीचर कम सपोर्ट किया और एज अ ब्रदर, एज अ एक बड़े हमारे गार्जियन पेरेंट्स की तरह ज़्यादा किया, क्योंकि मेरी मम्मी तो अनपढ़ है बेचारे, उनको तो पता नहीं लगता है, उनका ये था कि घर से भेज दें हम लोगों को पढ़ने के लिए, इधर बेटी क्या कर रही है, चाहे मैं घूमूँ खाऊँ पीऊँ कुछ भी करूँ उनको नहीं है दिक्कत। अब उनको ये है कि विश्वास से भेजा है, बेटी को भेजा है, पर इधर आके जो उन लोगों ने, टीचर्स ने, दोस्तों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा गाइड किया। राजीव सर हो गए, अब सर बोलने की वैसे आदत हो गई है, पर उनको मैं अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा मानती हूँ। राज सर हो गए, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कहते ना कि चेहरा पढ़ के ही लगा देते पता कि कौन कितना दुखी है कितना खुश है, समझ आ रही है नहीं आ रही है। बट ये और टीचर्स भी है, करण सर हो गए, लेखा सर हो गए, राजेंद्र सर हो गए, कॉपरेशन तो सब ने दिया, हेल्प तो सब ने की, पर जो मेन मेन थे जिन्होंने मुझे, एक होता है ना कि पढ़ाया तो पढ़ाया लेकिन साथ में मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेंटली प्रिपेयर, वो सारा राजीव सर ने, राजवल ने, राज सर ने, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर किया। क्योंकि लास्ट टाइम जब जो पुलिस का रिजल्ट रद्द हुआ उसमें थोड़ा काफ़ी ख़राब सा रहा था रिजल्ट, वो सब इसलिए होता क्योंकि थोड़ा टेंशन में थी, तो बीमार भी थी टेंशन में भी थी, तो उस वजह से थोड़ा अटैम्प्ट सही से नहीं हुआ था पेपर। तो इस बार तो ये सोचा था कि जैसे भी हो, मतलब इतनी मेहनत करनी है, कल दिन को अगर फेल भी हो जाऊँ, सक्सेस भी नहीं हूँ, अगर ये टेस्ट क्लियर भी नहीं हो, तो मुझे खुद को ये नहीं लगे कि यार मैं पढ़ी नहीं थी, बस सेटिस्फेक्शन थी इस बार मेहनत। इसको जब भी कॉल करनी थी तो हम क्या कर रही है, बीमार हूँ, कभी सिर में लगी है दर्द, कभी कहाँ लगी है दर्द, पर बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इसने। हाँ बीमार तो रही हूँ मैं, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ध्यान दे रही है अपनी फिटनेस पर, क्योंकि अब क्योंकि खाना पीना भी है। अब मेरी मम्मी तो सही बोलती है, मेरी मम्मी मुझे घर नहीं आने दे रही, कि ऐसा बोलती है कि तुझे देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि कैसे ट्रेनिंग करेगी तू, रहन दे मत जा, मर जाएगी हड्डियाँ, निकल जाएगी हड्डियाँ, वैसे ही है गल जाएगी हड्डियाँ, तो फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। अब 6 मंथ की ट्रेनिंग है तो देना तो पड़ेगा। अभी खाने पीने पर और इसकी फर्स्ट पेमेंट कहाँ कहाँ उड़ाएगी, फर्स्ट पेमेंट फर्स्ट पेमेंट के बारे में ना ही पूछा जाए तो अच्छा है, क्योंकि अब मैंने सोचा भी नहीं है अभी तक फर्स्ट पेमेंट का, तो सोचा भी नहीं है, पर जहाँ तक मेरा आइडिया है फर्स्ट पेमेंट का, तो सबसे पहले अपने ही हाथों से अपनी मम्मी के हाथों में देना चाहूँगी, क्योंकि चाहे जितना मर्जी ज़रूरी काम आ जाए पर फर्स्ट पेमेंट सबसे पहले अपनी मम्मी के हाथों में देना चाहूँगी, ताकि उनको भी लगे कि नहीं यार उनके भी कोई है, और बेटी आज कामयाब होगी, थोड़ी सी कामयाब हो गई, उनकी नज़रों में तो बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई, क्योंकि ऐसा है ना माहौल भी उस तरीके का है हमारे साथ, तो बस बढ़िया फर्स्ट पेमेंट उनके हाथों में। अभी फर्स्ट पेमेंट आई नहीं है और उम्मीदवार बहुत सारे हो गए हैं, बहनों से लेकर फ्रेंड से लेकर। सीरियसली फर्स्ट पेमेंट के तो कोई ऐसे ही बोलते सब मजाक में, पर ऐसे कहते कि फर्स्ट पेमेंट हमारे अकाउंट में दिलवा देना, हमें ये दिलवा देना, हमें ऐसा करना, हमें वैसा करना, पर सबको मना ये है कि फर्स्ट पेमेंट मम्मी के हाथ, बाकी हाँ जब जरूरत पड़ेगी तो दे सकते हैं थोड़ा बहुत, कर लेंगे, उसमें क्या है, 3-4 तो दोस्त है, उसमें क्या है, 4 भी नहीं है दोस्त, 2 दोस्त है और बाकी टीचर्स है, हम किस में आते हैं, आप दोस्तों। अच्छा अच्छा, एक तो मैं होगी दूसरी। नहीं लड़कियाँ, मेरी दोस्त लड़कियाँ नहीं है, लड़के ही है, एक ही है बेचारा, नाम तो क्या दूँ अब बेचारे का,
अच्छा दोस्त है, पर बाकी जो है मेरे टीचर्स हैं, टीचर्स की श्रेणी में वो लाइफ टाइम रहेंगे, पर उन लोगों को मैं अपने भाई से भी ज़्यादा मानती हूँ, तो उनको भी अगर कभी हेल्प की जरूरत पड़े तो मैंने तो बोल दिया मैं जितना कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतना, बाकी गाइड तो हमें वो करते ही रहेंगे। और मैं तो चाहती हूँ कि मैं तो शायद मुझे आज भी अगर कोई दिक्कत आती है मैं तो सबसे पहले उन्हीं को परेशान करती हूँ, क्योंकि एक होता है कि उनका ऐसा जगह बन गई है अपने दिल में कि बोल नहीं सकते हमारे लिए कुछ दिशा निर्देश। दिशा निर्देश जी आपके लिए जी, अब आप सक्सेस हो, हम बेरोजगार हैं यार। पता क्या है, बेरोजगार तो छोड़ो हम भी थे, आप अभी आपकी तो एज भी छोटी है, अभी छोटी क्या बोल सकते हैं, पर मेरी अभी 24th रनिंग पे है तो 23 कंप्लीट है, तो थोड़ा मुझे अपनी एज का भी थोड़ा लिहाज रखना पड़ता था कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ अभी कुछ नहीं करती हूँ। बेशक मैं लड़की थी पर फिर भी ऐसे सोच आ जाती कि इतने बड़े हो गए हैं, या तो सब बोलते थे कि शादी कर लो, शादी मुझे मंजूर नहीं, तो मैं सोचा थोड़ी सी मेहनत कर लूँ। और आपके लिए दिशा निर्देश यही देना चाहूँगी कि अपने रास्ते से कृपया भटके ना कभी कभी कुछ लोग भटक जाते हैं, कुछ भटका देते हैं पर भटकना मत अपने रास्ते से, पूरी दुनिया बोलती रहेगी, हम लोगों को भी बोला था, आपको भी बोलती रहेगी, और आगे जो भी निकलेंगे उनको भी बोलती रहेगी, और लड़कियों को तो खासकर यही बोलती है। अब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो शादी करो, शादी नहीं घर, मतलब सब बोलते हैं, घर वाले कम फोर्स करते हैं, आसपास वाले बहुत ज्यादा बोलते हैं, मेरे अकॉर्डिंग शादी तो बर्बादी है। ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करो, करो टाइम से करो, अपने एज के हिसाब से करो। और अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है आपकी, तो चुपचाप एक कोने में पड़े रहो, किताबों के साथ दोस्ती करो, मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा दोस्तों को छोड़ दो, रखो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, नहीं बोल सकते पर लिमिट में रखो अपने दोस्तों को, 2-3 रखो जिनके साथ शाम को घूम सके या इधर उधर काम में जा सके, बाकी एक कोने में पड़े रहो और पढ़ते रहो, किताबों से दोस्ती सबसे ज़्यादा। एक बात बता दूं मैं, ग्रेजुएशन होने के बाद दोस्त बोलने के लिए बड़ी मुश्किल से 3-4 लोग होते हैं, दोस्त बोलने के लिए बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल और सबके साथ सिर्फ जान पहचान रह जाती है, बस रह जाती है, और दोस्त बोलने के लिए मुश्किल से 2 या 3। मैं तो वैसे दोस्त बनाती नहीं हूँ, फिर भी अगर जिसके साथ बना ली तो थोड़ा निभा भी लेती हूँ, क्योंकि मेरा ये था कि मैं डरती हूँ दोस्त बनाने से, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको टाइम देना पड़ता है जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी या कुछ ऐसा नहीं था, पर दोस्तों के लिए टाइम देना पड़ता है, कहीं घूमने जा रहे हो तो जाना पड़ता है, नहीं दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। पर सबसे ज़्यादा मेरे को आजकल के खासकर कॉलेज वालों से, और आप कंप्लीट हो गए उनसे, तो यही है कि कम से कम दोस्त रखो, 2 या 3 दोस्त रखो, जो ऐसे दोस्त है वो नाम के नहीं होने चाहिए, नाम के नहीं होने, कभी भी काम आए, ज़रूरत में काम आए। मेरा मैं अपना बता दूँ तो सच बात बोलूँ, ऐसे दोस्त रखे हीरे हैं, पूरे के हीरे, बेशक वो कॉल में कम बात होती है, मिलते कम है, पर फिर भी जब पैसों के, अब कंडीशन इतनी ख़राब थी कि पैसे आज तक शायद लोगों से, बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं दोस्तों से उधार लिए पैसे, हर चीज़ के लिए, किताबों के लिए, फीस के लिए, लाइब्रेरी के लिए, हर जगह से, तो हीरे रखे हैं बिल्कुल, जब एक कॉल करने पे बेचारे दे देते हैं कि नहीं यार तू कर, अब जितना कर सकते थे सब ने किया, और शायद मेरी लगने से मेरी खुशी, मुझे हुई खुशी बहुत हुई, पर उनको शायद ज़्यादा खुशी हुई, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा हुई, वही तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि उन लोगों ने देखा था कि हम लोग एक रुपए के लिए भी तरसी हूँ, सच बात है, लेने के लिए पैसे नहीं होते थे, उसके लिए भी पैसे मांगे, मेंटली डिप्रेशन मुझे पता है डिप्रेशन तो बहुत था, पर अपना ये था कि पूरी रात रोना और सुबह बिल्कुल, मतलब इसलिए नहीं रोना कि दुख था, इसलिए रोना कि कम से कम अगर आज सुबह निकल रहे हैं तो कम से कम दूसरी सुबह एक नई शुरुआत हो जाती थी अपनी, तो आजकल तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छे से चल रही है, कोई ना पूछता है ना कोई बोलता है कि क्या कर रही है, और अपने मतलब कि फ्री माइंड बिल्कुल। वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता, पर मैं बोलती हूँ कि पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता, कुछ लोग बोलते ऐसे, हाँ पैसे तो ऐसे ही है, क्या मिलते हैं, हाथ का मैल है, बोलते हैं कुछ लोग ऐसा, बोलते तो होंगे यार, बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि पर पैसे के बिना कुछ नहीं है, कुछ है, मेरे से पूछो कि पैसा क्या है, हमें भी पता है, मुझे पता है कि मैं भी मानती थी पहले कि लोग पता नहीं पैसे के पीछे क्यों भागे रहते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, क्यों करते हैं,
पर मेरे से कुछ कि जब मैं एक एक रुपए के लिए तरसी हूँ ना, सच बात है, खाने के लिए तो नहीं तरसे हैं, खाने के लिए तो चलो जो मिल गया खा गए, सब कुछ वो खा गए, अपने बच्चे को भूखा कोई भी नहीं मारते, और ना मैं मरती तो। पर जब एक चीज के लिए इधर से उधर जाने के लिए या पढ़ने के लिए हर चीज के लिए जब पैसा, अब अकेडमी जाएंगे या हम लोग कॉलेज जाएंगे तो पेन खरीदेंगे, उधर तो पैसा लगेगा, बहुत जरूरी है पैसा कुछ हद तक, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पैसे पागल हो जाओ, पर पैसे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि पैसे के बिना आज ना आप लोग हॉस्पिटल जा सकते ना पढ़ सकते ना कुछ, तो पैसे होना जरूरी है मेरे अकॉर्डिंग भी। आज इसने हमें बहुत ज्यादा ज्ञान दिया, वैसे मेरे सामने कभी भी ऐसी बातें नहीं करती थी ये, नहीं एक्चुअली ज्ञान तो नहीं बोल सकती मैं, ऐसे नहीं हम फ्रेंड है तो चलती है अपना अनुभव बांट रहे हम। हाँ मैं बहुत कम बोलती थी लोगों की नजरों में, पहले मैं बहुत ज्यादा बोलती थी लोगों की नजरों में, फिर थोड़ी कंडीशन ऐसी होगी कि फिर थोड़े एज होने लगी तो दुनिया की समझ आने लगी, तो बहुत सारी स्थितियों ने कंडीशन ने बहुत सारे ऐसे हो गए हालात कि थोड़ा सा चुप रहना सिखा दिया, पर अब मैं फिर से वैसे वाली हो गई हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे कम बोलने वाले ही जानते हैं, पर अब कहते हैं ना कि हर चीज़ का वक्त आता है, तो अगर मेरे पास कुछ नहीं था, अगर मैं लोगों को ज्ञान देती तो शायद कोई लोग मेरी सुनते भी नहीं, और क्यों सुनेंगे क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं, अगर आज मैं दो चार बातें बोल दूँ तो सुन लेंगे, या हम लोग भी ऐसा करते हैं एक्चुअली। अब कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर वो बेरोजगार है उसकी कोई सुनता नहीं है, लेकिन एक अगर प्लस टू पढ़ा भी अगर जॉब कर रहा है तो उसकी हम लोग भी सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं कि नहीं यार अगर ये लगा है तो किस हिसाब से लगा है, क्या क्या करके लगा है, तो सेम ऐसा है। तो अभी होगी बहुत सारी बातें, तो आज के लिए बस थैंक यू सो मच मुझे बख्शने के लिए। ये बोल रहे कि मुझे तब से मच्छर खा रहे हैं यहाँ पर क्या करें, सब सही बात है, कुछ कर भी नहीं सकते, पर इसकी थी कि ये मेरे से बुलवाना ही चाहती थी, प्योर पहाड़ी में भी बुलवा दिया, बीच में कुछ इंग्लिश भी आ गई, ना पहाड़ी ना अंग्रेजी, हम कहीं के नहीं रही घर जाके दिल से। चलो कोई ना, वैसे हम घर जाके कहीं के नहीं रही, ना मेरी अब हिंदी काम की रही ना पहाड़ी काम की रही, अब हम बीच के रह गए बिचोलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच। और आपको भी, और आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि सपोर्ट करते रहना इस मेरी प्यारी सी बहन को, साथ देना, और आप लोगों के साथ से ये आगे जा सकती है, धन्यवाद, थैंक यू। और आपको भी अपनी उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच।